आप सभी लोग जनगणमन के लिए यथोचित रूप से उचित रूप से अपनी जगह पर सावधान खड़े होंगे। ये किसी एक हृदय और दिल दिमाग का देखा गया सपना। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए एनडीए सीडीएस एयरफोर्स में ट्रेनिंग करवा के आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो ये कार्यक्रम आप सभी बच्चों के लिए आयोजित था। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के पूरे इंडिया के जो जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान से बच्चे तैयारी करते हैं, अलग अलग राज्यों से पूरा भारत यहाँ पर इकट्ठा है, तो उन सभी बच्चों के लिए एक वार्षिक राष्ट्रीय खेलकूद का आयोजन किया गया था। कहते हैं कि सबसे ऊंची तेरी गाथा, सबसे ऊंची तेरी शान, जिस मिट्टी पर बल जाते हैं सरहद पर सब वीर जवान। है मेरा भी स्वप्न यही कि झुकने ना दूं तेरी शान, चाहे प्राण रहे ना रहे खुद को कर दूंगा बलिदान। जी हाँ, तो अगर आप इसी जज्बे के साथ देश की सेवा करना चाहते हैं और भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको लेकर के आए हैं लखनऊ की जानी मानी और भारत में सबसे तेजी से उभरती डिफेंस एकेडमी वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के दो दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता में, जो आपके सपने को साकार करने में हर कदम पर देगा आपका साथ। जी हां, आपको बता दें कि वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी की तरफ से राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन केडी सिंह बाबू इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ में आयोजित किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अच्छा इतिहास बना दिया है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और राष्ट्रीय खेल और सभी बच्चों को मैं उनके व्यक्तिगत जीवन में उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है राज्यों से जुड़कर देश की सेवा में आप सब जुटेंगे और हम लोग पूरी तरह से आपके साथ में अकेडमी को आगे बढ़ाने में आप सबको कहीं आवश्यकता हो आगे बढ़ाने में। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एकेडमी के प्रमुख आदरणीय जेपी सिंह जी, गुलाब सिंह जी और सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और जीवन में उनका भविष्य उज्जवल हो और हर स्थिति में हम एकेडमी के और उनके बच्चों के साथ हैं। मैं मिस्टर गुलाब सिंह वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी से निदेशक हूँ। ये खेल आज राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आप श्रोता हमें बहुत अच्छे से जानते होंगे, जितने भी एस्पिरेंट जो पूरे भारत में डिफेंस में अपना सपना बनाते हैं, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए एनडीए सीडीएस एयरफोर्स में ट्रेनिंग करवा के आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो ये कार्यक्रम आप सभी बच्चों के लिए आयोजित था। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के पूरे इंडिया के जो जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान से बच्चे तैयारी करते हैं, अलग अलग राज्यों से पूरा भारत यहाँ पर इकट्ठा है, तो उन सभी बच्चों के लिए एक वार्षिक राष्ट्रीय खेलकूद का आयोजन किया गया था। ये आयोजन इसलिए किया गया था ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में मानसिक और साथ में जो एक टेक्निकल माइंड होता है बच्चे का, जो लीडर के अंदर होना चाहिए, उसके लिए बेहतर करा पाए। इस यहाँ पर आज 700 से 800 बच्चे उपस्थित थे, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, कुछ बच्चे दर्शक के रूप में थे। और इस खेल का जो आयोजन था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय ब्रजेश पाठक जी, जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, और उन्होंने एक और बहुत हमारे लिए खुशी का पल था, जब वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने हमारा उद्घाटन भी किया था। और आज जब वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी पूरे भारत में अपना नाम बना रही है, परचम लहरा रही है, तो उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। वो आए, बच्चों का मनोबल बढ़ाए, इसके लिए मैं माननीय ब्रजेश पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे दोबारा आशीर्वाद प्राप्त करने की आग्रह करता हूँ। ये बच्चे सर 10वीं पास होते हैं या 12वीं पास होते हैं या ग्रेजुएशन करके आते हैं, जो भारतीय सेना में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अपना करियर बनाते हैं।
इसमें दो स्ट्रीम है सर, एक तो सिपाही के लिए है और दूसरा ऑफिसर्स ग्रेड का है। तो ये बच्चे उसी की तैयारी करते हैं जो अपने फ्यूचर के लिए आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में देख रहे हैं, वो यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करते हैं। और जैसे आपने कहा कि किस तरीके से बच्चों का सिलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो ये जितने भी लिसनर्स हैं वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी को जानते हैं, जितने सालों से ये वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी काम कर रही है अपने क्षेत्र में, पूरा भारत में अपना परचम लहरा रही है, और इसी कारण चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे साउथ में कर्नाटका है, चाहे गुजरात है, वहाँ से बच्चे आते हैं और तैयारी करते हैं। वो बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ के ट्रेनर हैं और किस तरीके से बच्चों की तैयारी कराई जा रही है, और जिस तरीके से उनकी मेंटल जो ग्रोथ होती है, जो फिजिकल ग्रोथ होती है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है सिचुएशन में जब बच्चा फंस जाता है तो निकले कैसे, लीडर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पहले दिन से कराई जाती हैं और इस वजह से बच्चा बहुत आसानी से अपने मार्ग को प्रशस्त कर पाता है। जो एडमिशन आपके एकेडमी में कराना चाहते हैं तो कहाँ के हैं वो ये मैटर करता है, वो लखनऊ के हो या कहीं बाहर के हो, तो क्या सुविधा उनके बच्चे को मिल सकती है यहाँ पे? बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पूरे भारत के बच्चे हैं और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। जो लखनऊ के बच्चे हैं उनके लिए तो प्रॉपर रहने की व्यवस्था होती है, लेकिन जो बाहर से बच्चे हैं उनके लिए हमारे वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में रहने खाने और उनके केयर की सारी व्यवस्थाएँ हैं, क्योंकि 10वीं के बाद बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, और उसकी प्रॉपर केयर अगर नहीं हो टाइम पर तो वो सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते पर जल्दी चला जाता है। तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा कि वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में पढ़ाई के साथ साथ एक गार्जियनशिप भी होती है ताकि बच्चा अपने मार्ग पे चलता रहे। ठीक। जो थोड़ा सा कमजोर छात्र होते हैं या फिर जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए क्या करना है? इसमें आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, दो तरीके के सवाल है, एक तो कमजोर छात्र, दूसरा आर्थिक रूप से कमजोर छात्र। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, मैं सभी लिसनर्स को बता देता हूँ, वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी हमेशा गरीब बच्चों के लिए, अगर बीपीएल राशन कार्ड आपके पास है या 50,000 से नीचे आपकी आय आपके परिवार की है, तो आप सभी बच्चों को 5,000, 7,000 और 10,000 अलग अलग कोर्सेज पे फ्लैट डिस्काउंट वॉरियर डिफेंस एकेडमी देती है। मैं खुद इससे मोटिवेट होकर ये डिस्काउंट ऑफर करता हूँ। दूसरी बात आपने बोला कि जो बच्चा कमजोर है पढ़ाई लिखाई में उसके लिए क्या करते हैं, जब बच्चा कमजोर होता है तो वो कमजोर इसलिए नहीं होता है कि उसने पढ़ाई नहीं करी, वो अपने बैकग्राउंड की वजह से कमजोर होता है, उसकी बेसिक एजुकेशन खराब हो गई, उसने बेसिक ध्यान नहीं दिया, तो उस बच्चे को प्रॉपर गाइड की जरूरत होती है, क्लासरूम के साथ उसको अलग से गाइडेंस की जरूरत होती है कि कोई इंडिविजुअली पढ़ाए। वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में सर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, बच्चे को इंडिविजुअली गाइड किया जाता है, उनके मॉक कराए जाते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है कि किस लेवल पर अभी बच्चा है, हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, और धीरे धीरे करके वो बच्चा अपने लक्ष्य को पा जाता है। सर एकेडमी में एडमिशन का कोई क्राइटेरिया है या फिर किस तरह से एडमिशन होता है? 10वीं के बाद ही एडमिशन स्टार्ट होते हैं, अगर वो अभी 10वीं के नीचे हैं तो पहले वो 10वीं की परीक्षा पास करेंगे, हमारे यहाँ 10वीं के बाद सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन ओपन हो जाते हैं। कोई टेस्ट नहीं होता है क्योंकि ये सारे बच्चे एक सपना बनाते हैं, मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि एक कमजोर बच्चे हैं लेकिन सपना देख रहे हैं फौज में जाने का, तो वो कमजोर इसलिए हैं, वो बैकग्राउंड नहीं मिल पाया, तो हम क्या करते हैं जब बच्चा हमारे पास आता है तो उनको अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, टॉपर बच्चे को अलग, मीडियम वाले को अलग और नीचे वाले को अलग, और उस हिसाब से उस पर मेहनत करते हैं कि हर बच्चा अपने लक्ष्य को पा पाए। ठीक है। तो सर एक आखिरी सवाल उन बच्चों के लिए जो सिर्फ सपना देख रहे हैं पर बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैं उन सभी माता पिता को बोलूँगा और उन बच्चों से भी बोलूँगा कि आज हमारा भारत ऐसी जगह पर पहुँच गया है जहाँ गाँव में ऐसी जगह पर लोग रहते हैं, लाइट नहीं है, वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, उनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, और ना जाने कितने इंटरव्यू देखे गए होंगे कि उनके लड़कों ने IAS एग्ज़ाम्स निकाले हैं। तो बिल्कुल उन माता पिता से मेरा आग्रह है, अगर आपका बच्चा कोई सपना देख रहा है तो उसको पूरा करिए, और जितने भी युवा हैं जो हमें देख पा रहे हैं, अगर आपने सपना बनाया तो एक बार जी जान से लग जाइए, लक्ष्य कोई आपको रोक नहीं सकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।